नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वापस ये टिकटॉक्स के एपिसोड में। दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज, जिसमें दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे ईए स्पोर्ट्स लॉन्च करने वाले हैं अपना फीफा 19, उसके बारे में। ये दोस्तों अभी हम बात करेंगे फीफा 19 गेम के बारे में, गेम कब लॉन्च होने वाला है, कैसे आप उसके डेमो को ले सकते हैं और कैसे आपको ये गेम परचेस करना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे मोटोरोला P30 प्ले के लॉन्च के बारे में। दिया दोस्तों लॉन्च की रूमर्स के बारे में, मोटोरोला P30 प्ले के कुछ रूमर्स आए हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस आए हैं, तो देखते हैं कि ये फोन कब लॉन्च होता है चाइना में और कभी इंडिया में आता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे सोशल मीडिया डेटा माइनिंग के बारे में और स्पेशल फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट बनाना चाहती है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपसे यहाँ पे कोलकाता के बिगेस्ट 4G सर्कल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता को बोला गया है कि वो है अभी तक का इंडिया का बिगेस्ट 4G सर्कल। इस टाइम में कोलकाता में सबसे ज़्यादा है 4G यूजर्स। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे इंडिया इसरो के कोलैबोरेशन के बारे में। जी दोस्तों, इसरो ने कोलैबोरेट किया अपने फर्स्ट मैन मिशन गगनयान के लिए फ्रेंच की एजेंसी से, फ्रेंच स्पेस एजेंसी से यहाँ पे इसरो ने कोलैबोरेट किया इसके बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे फीफा 19 गेम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ईए स्पोर्ट्स जो कि लॉन्च करेगा अपना फीफा 19 गेम, जिसका डेमो आपको मिल जाएगा सितंबर 13 को। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 13 को आपको फीफा 19 का डेमो वर्जन मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन डेमो वर्जन इसका ले सकते हैं, इसको खेल सकते हैं। और फिर आपको 25 सितंबर को और 28 सितंबर को दो दिन। जी हाँ दोस्तों, 25 सितंबर को इसका जो है स्पेशल एक तरह से कह सकते हैं चैंपियंस एडिशन लॉन्च होगा और उसके बाद 28 सितंबर को इसका स्टैंडर्ड एडिशन लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों अगर गेम के बारे में थोड़ा थोड़ी बातें करें तो यहाँ पे जो दोस्तों गेम आ रहा है, ये जैसे मैंने आपको बताया दो अलग अलग डेट्स को दो अलग अलग गेम्स के वर्जन आ रहे हैं, जहाँ पे जो इसका स्टैंडर्ड एडिशन है उसकी प्राइसिंग रखी गई है 3999, वहीं पर जो इसका चैंपियंस एडिशन है उसकी प्राइसिंग है 5699 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अगर चैंपियंस एडिशन में यहाँ पे कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है, तो यहाँ पे चैंपियंस एडिशन में आप कुछ स्पेशल प्लेयर्स को यूज़ करके गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे साथ ही मिल जाता है आपको कुछ स्पेशल जंबो प्रीमियम पैक मिल जाते हैं स्पेशल एडिशन में, जो कि आपको गेम मिलने के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या कुछ प्रीमियम पैक्स है, कुछ क्या प्रीमियम चीज़ें दे रहा है यहाँ पे आपको फीफा 19 में मिल रही है, जो कि हर तरह का प्रीमियम पैक, जो कि आपको 20 प्रीमियम पैक है, ये हर हफ्ते आपको एक एक करके मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ स्पेशल एडिशन में कुछ चेंजेस हैं एक नॉर्मल स्टैंडर्ड एडिशन से, जो कि इसे थोड़ा अलग बनाते हैं और इसकी थोड़ी जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा रखी गई है। तो दोस्तों अगर गेम के बारे में बात करते हैं कि गेम खेलने के लिए क्या क्या आपकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, दोस्तों यहाँ पे गेम तीन अलग अलग जगहों पे मिल जाएगा आपको। ये मिल जाएगा आपको PS4 पे, Xbox One पे, या फिर आप इसे अपने PC पे भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास EA एक्सेस है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आपने EA एक्सेस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है अपने Xbox One पे, तो आप इस गेम को Xbox One पे खेल सकते हैं। या फिर अगर आपने यहाँ पे ओरिजिन एक्सेस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो आप इसे गेम को अपने PC पे भी खेल सकते हैं। जब ये गेम लॉन्च होगा तो आप इसे डाउनलोड करके खेल सकते हैं अगर आपके पास ओरिजिन एक्सेस का सब्सक्रिप्शन है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे कुछ PC की कुछ स्पेसिफिकेशंस बोली गई है, कुछ मिनिमम स्पेसिफिकेशंस बताई गई है जो कि इस गेम के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको आपके पास होना चाहिए विंडोज 10 का 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में होना चाहिए, आपके पास कोर इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर होना चाहिए आपके डेस्कटॉप में, आपके पास होने चाहिए 8GB की रैम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो रैम के बारे में बोला गया है, वो बोला गया है कि आपके पास होना चाहिए 8GB का रैम और आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट 50GB की फ्री स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए इस गेम को खेलने के लिए एटलीस्ट कम से कम 50GB की फ्री स्टोरेज। अगर यहाँ बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की, तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए NVIDIA का GeForce GTX 670 और आपके पास होना चाहिए DirectX 12। जी हाँ दोस्तों, आपका जो लैपटॉप होना चाहिए फिर आपकी PC जो होनी चाहिए वो DirectX 12 कंपैटिबल होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए थोड़ा बहुत इंटरनेट कनेक्शन, ताकि आप गेम को डाउनलोड करके खेल सकें। तो दोस्तों अगर आप सही में फीफा के बहुत बड़े फ़ैन हैं, फीफा गेम के आप बहुत फ़ैन हैं, आप बहुत अच्छा खेलते हैं या फिर आप खेलने का शौक रखते हैं, तो शायद से ये गेम आपके लिए बहुत ही अच्छा ला सकता है कुछ और आप इसे खरीद के खेल सकते हैं और इसके डेमो वर्जन भी टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो दूसरी न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है आपको मोटोरोला के P30 प्ले के लॉन्च के बारे में। जी दोस्तों, मोटोरोला ने पिछले महीने P30 की सीरीज लॉन्च की थी, जहाँ पे उसने दिखाया था कि वो P30 सीरीज में तीन अलग अलग फोन्स लाएगा, P30, P30 प्ले और P30 नोट। तो यहाँ पे P30 जो थी वो पिछले महीने लॉन्च हुई थी, कुछ दिनों पहले P30 नोट भी लॉन्च हो गई और यहाँ पे अब लगता है कि कुछ ही दिनों में P30 प्ले भी शायद से लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि मोटोरोला का जो चाइनीज वेबसाइट है, जो चाइना में उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे उसने कुछ स्पेसिफिकेशंस डाले चाइनीज खुद से यहाँ पे
ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस देखे, उसकी प्राइसिंग देखी, जहाँ पे उसकी प्राइस दिखाई जा रही है ऑलमोस्ट 1899 चाइनीज येन में, जो कि ऑलमोस्ट आपकी हो जाएगी इंडियन करेंसी में 20,000 रुपये। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर ये 20,000 रुपये में लॉन्च होती है तो ये P30 सीरीज की सबसे सस्ती फ़ोन होगी, बिकॉज बाकी सारी फोन इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 20,000 रुपये से ऊपर की है। तो दोस्तों अगर फोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5.88 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, साथ में मिल जाएगा आपको स्नैपड्रैगन का 625, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर, साथ में आपको मिल जाएगा पीछे में वर्टिकली सॉर्टेड डुअल कैमरा, जो कि आपको मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेंसर, साथ में आपको मिलेगा फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और उसके साथ मिल जाएंगे आपको थोड़ी बहुत AI फीचर्स, फोन के एस्पेक्ट रेशियो 19:9, और यहाँ पे मिलेगा आपको एक नॉच डिस्प्ले। और दोस्तों बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में, तो ये आपका P30 और P30 नोट से मैच करता है, P30 प्ले की डिज़ाइन जो है यहाँ पे, ये दोनों मैच करती है आपके इन दोनों बाकी फोन से। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं फोन के कुछ और भी चीज़ों के बारे में, तो ये दो अलग अलग वेरियंट्स में आ जाएगा आपको, 4 GB RAM और 6 GB, 4 GB और 6 GB RAM के वेरियंट्स में आ जाएगा। यहाँ पे मिलेगा आपको 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, जो कि एक्सपेंडेबल है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो SD कार्ड। दोस्तों अगर फोन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस है और आपको प्रोसेसर भी काफ़ी पुराना मिल रहा है, तो पता नहीं यहाँ पे मोटरोला कर क्या रहा है, ठीक है। और लेनोवो, बेसिकली लेनोवो क्या कर रहा है, क्योंकि मोटरोला को तो अब लेनोवो ऑन करता है, तो देखते हैं कि मोटरोला कुछ इंडियन मार्केट में कुछ नया ला पाता है कि नहीं, बट अभी चाइनीज मार्केट का तो कुछ ऐसा ही हाल है। तो दोस्तों अब जो तीसरी न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है सोशल मीडिया डेटा माइनिंग और स्पेशल आपकी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इंडियन गवर्नमेंट बनाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है, यहाँ पे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस में बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी वो बनाए, कुछ ऐसी अच्छी फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी वो बनाए, जिससे कि वो किसी भी तरह के क्रिमिनल्स का फेस डिटेक्शन कर सके। क्योंकि दोस्तों कभी भी कहीं चोरी होती है, कहीं कुछ लूटपाट होती है, कहीं कुछ क्राइम्स होते हैं, तो वहाँ पे अगर CCTV कैमरास लगे होते हैं, बट तो इसमें CCTV कैमरास लगे होने के बावजूद भी अच्छे से फेस डिटेक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर यहाँ पे एक अच्छी तरीके से एक अच्छी टेक्नोलॉजी, फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, तो बड़ी आसानी से किसी भी क्रिमिनल के फेस को डिटेक्ट किया जा सकता है और उनको पकड़ा जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया डेटा माइनिंग के बारे में बात की है कि वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं जिससे कि किसी भी तरह के छोटे या बड़े क्रिमिनल की जो सोशल मीडिया पर अगर कुछ डिटेल्स है, तो वो ग्रैब की जा सके, वो ली जा सके, जिससे कि उसको पकड़ने में आसानी हो और यहाँ पे जो क्राइम्स है उसको कम किया जा सके। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने पहली बार यहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी के लिए एक टीम बनाई है, पहली बार गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक साइबर सिक्योरिटी को ज़रूरी लेकर, उसे इंपॉर्टेंट समझ कर यहाँ पे उन्होंने एक टीम बनाई है, एक टीम खड़ा की है, जो कि इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करेगी और इन सभी चीज़ों में गवर्नमेंट की मदद करेगी। तो दोस्तों अब जो ये स्टेप है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टेप कैसा लग रहा है, बिकॉज आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग को इससे बहुत कुछ सीखना ज़रूरी भी है। दोस्तों अब जो चौथी न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है कि कोलकाता बन गया है इंडिया का सबसे बड़ा 4G सर्कल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ओपन सिग्नल एक कंपनी है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं जो कि सर्वेस करती है या फिर थोड़ा रिसर्च करती है, तो उसने 3 महीने तक लगातार रिसर्च किया है, जिस जो कि स्टार्ट हुआ था मई में, तो यहाँ पे मई जून जुलाई 3 महीने के लगातार रिसर्च के बाद यहाँ पे उसने ये बताया है कि यहाँ पे कोलकाता जो बन गया है, वो बन गया है इंडिया का लार्जेस्ट 4G सर्कल, जहाँ पे 90% ऑफ 4G अवेलेबिलिटी है। जी दोस्तों, यहाँ पे उसने बोला है कि ऑलमोस्ट 90% लोग 4G सिम्स का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। और उसके बाद आता है आपका पंजाब, जिसमें कि जो कि 4G सर्कल है जिसका 89.9%, उसके बाद है बिहार जिसका 4G सर्कल 89.2%, फिर मध्य प्रदेश 89.1% के साथ, और फिर उड़ीसा जिसमें आपका आता है 4G सर्कल 89%। दोस्तों अगर बात करते हैं और भी स्पीड के बारे में, इन टर्म्स ऑफ स्पीड अगर हम बात करते हैं, तो पिछली बार काफ़ी दिनों पहले, मतलब यहाँ पे एक यूके की जो बेस्ड है डेटा एनालिटिक कंपनी है, उसने एक रिसर्च किया था जहाँ पे उसने बोला था कि जो कोलकाता है, वो अभी अगर हम लोग डाउनलोडिंग स्पीड, डेटा की डाउनलोडिंग स्पीड के बारे में बात करें, तो वो थर्ड पोजिशन पे थी विथ 8.46 Mbps/s। उसके बाद सबसे ऊपर आता था आपका नवी मुंबई, जो कि जहाँ पे आपको एवरेज 4G स्पीड है 8.72 Mbps। उसके बाद आप आता है चेन्नई, जिसकी एवरेज स्पीड है 8.52 Mbps, जो कि पिछले साल थी आपकी 4.4 Mbps, और ये 4.4 Mbps से बढ़कर 8.52 Mbps हो गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में, या फिर कह सकते हैं पिछले साल को लें और इस साल को लें, तो काफ़ी कुछ बदल गया है। इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है, टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह अगर
चीज़ें होती रही तो काफ़ी अच्छा चलेगा। और एक बात करते हैं इसी 4G सर्कल के बारे में, तो यहाँ पे आपका दिल्ली और मुंबई, जहाँ पे अभी टेलकॉस जो कि टेलीकॉम कंपनी है इंडिया की, वो काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है वहाँ पे नेटवर्क को काफ़ी अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे 4G सर्कल में उनकी रैंकिंग है 12 और 13th पोजिशन। यहाँ पे दिल्ली की जो 4G सर्कल की परसेंटेज है 86.73, और यहाँ पे आपकी मुंबई की जो 4G सर्कल की परसेंटेज है वो 86.65। तो देखते हैं दोस्तों धीरे धीरे, अगर यहाँ पे कंपनीज ने बोला है और कंपनी के सर्वे से ये पता चला है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट अभी कुछ और बैंड्स खरीदती है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी यहाँ पे नेटवर्किंग को, और यहाँ पे नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो सकता है और आपको स्पीड भी अच्छी खासी मिलने लगेगी। तो देखते हैं दोस्तों कि और भी अगले कुछ दिनों में क्या चेंजेस आते हैं, ये परसेंटेज बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, या फिर जो स्पीड है वो इंटरनेट स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या मिलती है हमें। तो दोस्तों इसके बाद जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कि इसरो ने कोलैबोरेशन किया है फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ। जी हाँ दोस्तों, CNES जो कि फ्रांस की एक स्पेस एजेंसी है, जैसे इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उसके साथ इसरो ने कोलैबोरेट किया है ताकि वो जो उसका फर्स्ट मैन मिशन है इंडिया का जिसका नाम है गगनयान, उसको कम्प्लीटली जो है वो सक्सेसफुल बना सके। तो यहाँ पे फ्रांस के जो स्पेस एजेंसी की CEO है, उन्होंने बैंगलोर में एक कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि वो इंडिया के साथ ये कोलैबोरेशन करके बहुत ही खुश हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि ये जो मिशन है वो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल बने। दोस्तों अगर ये मिशन सक्सेसफुल बन जाता है तो इंडिया चौथी कंट्री होगी जो कि मैन मिशन को कम्प्लीट कर पाएगी, मैन स्पेस मिशन को, क्योंकि इससे पहले UK, चाइना और रशिया ने इन सभी चीज़ों को कम्प्लीट किया, मैन मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। तो इंडिया अभी उसके पाथ पे है, और अगर जल्दी से जल्दी इस पर काम होता है तो काफ़ी अच्छा इसरो इसमें कर पाएगा और मैन मिशन जो है यहाँ पे इंडिया की कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़, दोस्तों ये थी कुछ अच्छी खबरें। तो दोस्तों अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इसे जरूर से जरूर शेयर करें, और इसी तरह की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।